हेलो फ्रेंड, अगर आप एपीएस के काम करते हो और एक बीसी है, आप जानते हो कि आप किसी भी कंपनी का एपीएस चलाते हो उसके लिए आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस जरूरी होती है, जहां पे आप या तो मोरफो या मंत्रा या किसी अन्य कंपनी का फिंगरप्रिंट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। कई सारे फिनटेक कंपनी आयरिस स्कैनर को भी सपोर्ट करती है, जिस पर आप पिनियर पे आंखों से एपीएस कर सकते हैं आयरिस के पुतली को स्कैन करके। इनकी आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसी फिनटेक कंपनी है जो एपीएस सर्विस देती है, वो अब फेशियल स्कैन का इस्तेमाल कर एपीएस को ट्रांजेक्शन सक्सेस कराते हैं, जिसमें आपको ना किसी फिंगरप्रिंट डिवाइस ना किसी आईडी या कोई तरह का तामझाम है, बस आपका मोबाइल होनी चाहिए और आपकी एपीएस आईडी होनी चाहिए, उस पे वो बैंक वो फेशियल आईडी को सपोर्ट करता हो। तो लेके आया आपके लिए कंप्लीट वीडियो, यहाँ पे फेस स्कैन कर यानी फिंगरप्रिंट आईडी डिवाइस के बिना आप अपने आए हुए कस्टमर के अकाउंट से पैसे उनके फेस को स्कैन कर ही कैप्चर कर ही निकाल सकें, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे से क्या करें और हमें किन अवस्था में इनकी जरूरत पड़ती है जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को बिना एक पल स्किप के चाहे आप किसी भी कंपनी का सीएसपी एपीएस चलाते हो, क्योंकि ये सर्विस हर एक बैंक कुछ समय बाद लाइव हो जाएगी और हर एक फिनटेक कंपनी उम्मीद है देखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप एग्जांपल को समझो, आपको किसी के यहाँ एपीएस करने के लिए बुलाया गया जहाँ पे वो कस्टमर या तो बीमार है या आ नहीं सकते, किस तरह का कारण है, आप वहाँ जाते हो, बस कारण बस आप अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस या आईडी डिवाइस जिसे आप एपीएस करते हो भूल गए हो। अब उनका एपीएस करना है, आप अपना मोबाइल लेके पहुंच गए हो, अब कैसे करोगे? या फिर कोई ऐसे कस्टमर जो बहुत ज्यादा एज होने का उनके फिंगर हाथ की घिस जाती है, मैच नहीं करता, बायोमेट्रिक डिडंट मैच, एरर आता है, तो या बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनका फिंगर जमा नहीं है, हुआ नहीं है, बायोमेट्रिक अपडेट कराने के बाद ही हुआ है, लेकिन उनका बैंक रिलेटेड काम एपीएस बैंक से करनी है, तो उस जगह ये फेस स्कैन बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल, आपके रोजमर्रा के एपीएस धंधे में आने वाली है। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पेनियर बाय ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप किसी अन्य कंपनी का एपीएस इस्तेमाल करते हैं, आप हमसे शेयर करते हैं आपके पास कौन सी कंपनी की एपीएस आईडी है एंड क्या उस पे ये फेस स्कैन सिस्टम दी हुई है, कमेंट कर बताएं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देखो, पेनियर बाय ऐप पे अभी पहले एक दो बैंक थे, एयरटेल पेमेंट बैंक, कुछ बैंक ही थे, उसके बाद 5 बैंक लाइव है, उसके बाद अभी टोटल 10 से ऊपर बैंक लाइव हो चुके इस सिस्टम, जिसमें आपको इंडिया के टॉप 10 बैंकों में से आधे से ज्यादा बैंक इस सर्विस को लाइव कर दी गई, यानी कि बहुत लोगों का खाता उसमें होगा। वो बैंक कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे आप एयरटेल पेमेंट बैंक, HDFC बैंक, इंडोसिंड बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे बैंक जो मैं अभी चेक कर पाया, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप चेक करो कोई और बैंक में भी ये ऑप्शन आती है फेस स्कैन करने का राइट साइड में, तो हमें आप अपने उस बैंक का नाम जरूर कमेंट कर बताएं, नेक्स्ट जो से कवर कर लेंगे। ये सारे बैंक फेस वेरिफिकेशन यानी फेस स्कैन को लाइव कर दिया गया एपीएस बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉ करने के लिए टोटली, जिसमें जैसे प्रमुख जो बैंक है, आधे बैंक यानी जो टॉप 10 बैंक इंडिया का हम काउंट करेंगे, उसमें आधे बैंक HDFC, ICICI, इंडियन ओवरसीज, इस तरह के बैंक ने, आधे बैंक जो टॉप बैंक है वो भी लाइव कर चुकी है। तो चलिए हम प्रोसेस को समझते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं एयरटेल पेमेंट मेरा अकाउंट है, मैं उससे लाइव करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिना मैं कोई बायोमेट्रिक जो अपने मोबाइल लगाए हुए मैं सक्सेसफुल बैलेंस चेक भी करूंगा और जो बैलेंस बचे उसको विड्रॉ भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना पेनियर ऐप को ओपन किया, हमने यहाँ गया एपीएस सेक्शन के अंदर, यहाँ पे अपने आधार नंबर डालकर और जो भी बेसिक से डिटेल होते हैं और एयरटेल बैंक सेलेक्ट कर हम जिसे नेक्स्ट करते, यहाँ पे फेस स्कैन विथ मोबाइल कैमरा हमें दिखने को मिल रहा है। हम सिंपली यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन टिक करते हैं और फेस स्कैन पे हम क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पॉप आएगा, आधार फेस आरडी ऐप रिक्वायर। जी हाँ, आपको किसी भी तरह का फेस स्कैन करना है तो आपको आधार फेस आरडी रखनी जरूरी, चाहे आप आयुष्मान कार्ड ही क्यों ना मोबाइल से बना रहे हो, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे गेट ऐप पे क्लिक करेंगे, आपका प्ले स्टोर खुल जाए तो अच्छी बात है, अगर कोई तरह का ऐप आपके मोबाइल ज़्यादा है तो वहाँ बोलेगा कि कोई दूसरी प्ले स्टोर पर सहायता ले सकते हैं, आप प्ले स्टोर से खोले या फिर मैनुअली आप प्ले स्टोर पर जाके आधार फेसर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन जो आपकी 40-50 एमबी की ऐप की साइज होती है। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए आपको यहाँ पे किसी भी तरह का ओपन का ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि इसे ओपन आप नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसे ऐप के थ्रू ही ओपन होगा। सो सिंपली आप इसे यहाँ से बैक कर पेनियर ऐप पे फिर से आ जाएंगे और फिर से आप फेस स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप यहाँ पे स्कैन वेरीफाई क्लिक करेंगे तो आपको अब जाकर आधार फेस ऐप पे रिडायरेक्ट कर ले जाएगा। यहाँ पे कुछ परमिशन आपसे मांगे, जैसे कि पहला परमिशन टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो यानी कैमरा परमिशन आपको मांगा जाए, इसे आप अलाउ कर दे। इसके बाद आपके मोबाइल को चेक की जाएगी
पांच डिफरेंट स्टेप्स में, जहाँ की आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी और अलग अलग चीज की जांच होगी। अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करेगा इन सारी चीजों में, तो आपको आगे एक पेज खोले, जिस पेज को आपको समझना काफी इंपोर्टेंट है, तो आपका कई बार कस्टमर फेस स्कैन का फोटो कैप्चर करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन फेल। तो यहाँ पे मुख्यतः आपको चार जो रूल्स है वो बताए गए, अगर इस रूल को आप सही से करोगे, आपका कस्टमर का जो फेस स्कैन करो मोबाइल से काफी बेहतर आएगा और रिजेक्ट नहीं होगा। पहला चीज ये कह रहा है, इंश्योर योर फेस रिमेन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल मेंटेनिंग एलिजमेंट स्टे स्टिल व्हाइल द ऐप डिटेक्ट द कैप्चर योर फेस। सिंपली इसका मतलब यह है कि जब ये आपको गोले सा जब घूमे या दिख रहा छोटे छोटे गोले घूमते हुए, जब ये प्रोसेस होगा तो आपका जो चेहरा होता है या जो आप कस्टमर का चेहरा होता है उसको स्कैन करो उसके अंदर होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा सामने से मत लेना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको उस चेहरे को अंदर में रखना है। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि मेक श्योर योर फेस इज वेल लाइट अवॉइडिंग एनी बैकग्राउंड लाइट, यानी आपका जो चेहरा है सामने से अच्छी लाइट पड़ रही है ना, ये नहीं कि आप बल्ब के पीछे खड़े हो गए बल्ब उस कैमरे पर रहा है लाइट गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं करना है, फेस पे अच्छी लाइट पड़नी चाहिए और तब कैप्चर करेंगे, कोई बैकग्राउंड या मैंने आधा फेस अंधेरे में आधा रोशनी में ऐसा नहीं करना है, आपको ये बताया जा रहा है कि अच्छे से कर लेनी, अच्छी लाइट आनी चाहिए चेहरे पे। तीसरी जो कह रहा है कि प्लीज रिमूव टिंटेड सनग्लासेस एंड डोंट कवर योर फेस ड्यूरिंग द कैप्चर, यानी आपने चेहरे पे लटका फटका हुआ कोई तरह का चश्मा उसमें तो उतार ले, टोपी ओपी वगैरह तो हटा ले, फिर ट्राई करें आपका बेहतर आएगा। और चौथा जो ऑन द प्रॉम्प्ट अपेयर ऑन द स्क्रीन ब्लिंक योर आई, यू मे नीड टू ब्लिंक मल्टीपल टाइम यू नीड द इमेज कैप्चर, यानी जब सब कुछ हो जाए ग्रीन सिग्नल पूरा लाइन आपके फेस पे आ जाए तो अपने आंख को पलके को झपकाना बंद करना खोलना, बंद करना खोलना है। आपको ये काम तब तक करनी जब तक आपका वो फेस वहाँ पे कैप्चर हट के वो स्क्रीन हट ना जाए, आपका कैमरा खींचने का ऑप्शन वहाँ से हट ना जाए। आप इन सबको जब फॉलो कर लोगे, आपको टिक लगा आई एम अवेयर एंड प्रोसीड यहाँ पे करोगे, आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा खुल जाएगा। अब आप फ्रंट कैमरा जितने चीज मैंने बताया कि आपको फेस को एकदम बराबरी से रखनी है, जब यहाँ पे ग्रीन आ जाए आंख को ब्लिंक ब्लिंक करनी है आपको, जब आपकी आंख की ब्लिंक यहाँ पे ले ले आपका फेस कैप्चर सक्सेस यहाँ पे दिख जाएगा एंड इनिशिएटिंग ट्रांजेक्शन होने लगेगा और आपका यहाँ जो भी आप कर रहे हो बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो मिनी स्टेटमेंट चेक कर रहे हो या फिर विड्रो का काम कर रहे हो, जो फेस आपकी है और आपके आधार में जो लिया गया कैप्चर फेस है, बहुत पुराना छोटा बड़ा हो गया बहुत पहले का फेस है, तो आप जरूर अपने आधार में फेस को अपडेट करवा ले। मेरा ये सजेशन, अगर आपको ये प्रोसेस की बहुत लोगों का रिटर्न मैच अच्छी तरीके करने के बाद भी ना आता हो तो, क्योंकि जो आधार कार्ड फेस उस फेस से आपका अभी के फेस को मैच किया जाए, मैच करने के बाद आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, जहाँ पे मेरा बैलेंस इंक्वायरी में सक्सेस किया एंड मैंने यहाँ पे विड्रॉ करने को उसके 900 रुपए के जो हमारा यहाँ पे सब कुछ लेने के बाद सही सक्सेस हो गया। आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लफड़ा है, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे ना तो आपको बायोमेट्रिक डिवाइस जो बायोमेट्रिक की डिवाइस वो भूल जाओगे, आप बोलोगे फेस स्कैन ही कर लेते, फटाफट हो जाता है मोबाइल कैमरे से बहुत इजी है। ख्याल रखिए आपकी कैमरे की क्वालिटी जितनी अच्छी है उतनी बेहतर है कि आप यहाँ पे स्विच करके कैमरा को आगे पीछे भी बदल सकते हैं, जिस कारण आपके अगर फ्रंट कैमरा इतनी अच्छी नहीं है तो आप बैक कैमरा से भी कस्टमर का फोटो खींचते स्विच कर सकते और कैप्चर कर अपनी सर्विस को एक नई सिस्टम के तहत, एक नई सर्विस के तहत, यूनिक सर्विस के तहत अपने कस्टमर का एपीएस ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते और अपने दुकान को पॉपुलर कर सकते और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आप फटाफट जाओ, अगर पे नियर बाय रिटेलर ट्राई करें, आप किसी और कंपनी के रिटेलर आके अगर उस एक एपीएस ऐप पे दिख रही है तो सेम यही फंडा और कुछ अंतर नहीं है, ट्राई करें और काम करता आपका सक्सेस हुआ, आपने कस्टमर किया सब कुछ सही है, कई बार फेल आया अधिकतर लोग ले रहा है या तो लोग फेल हो रहा है, हमें कमेंट कर जरूर अपनी राय दे और आप किस कंपनी का एपीएस चलाते जरूर अपनी राय कमेंट कर दे ताकि हम भी जान से हमारे ज्यादातर सब्सक्राइबर किस कंपनी के आईडी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप एपीएस के काम करते ही हैं तो एपीएस से निकाले गए पैसे को जेन्युइन तरीके से कैश में कैसे कन्वर्ट करें, ये काफी अहम हो जाता है कि आप जो पैसे निकालते हो कस्टमर उसे कैश बनाना पड़ता है, बहुत सारे लोग एटीएम जाते हैं यूपीआई वगैरह करके, जो एक गलत तरीका है, जानना है सही तरीका कैसे क्या है तो सामने आपको वीडियो देखने को मिले, चेकआउट कर सकते, साथ साथ एपीएस सर्विस इस्तेमाल करने के वो रूल जो आपको फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके धंधे जो खतरे में पड़ सकते हैं क्या है वो भी आपको सामने देखने को मिले, चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।